आपकी मेरी हम सब की फेवरेट संभावना सेठ। आज मेरे बाद मेरे बाबा हाय हेलो हाय now I feel I'm in Sambhavna's house. Starbucks को मैं पीछे ना छोड़ दिया तो मेरा नाम बदल really? चुम्मी ले लोगे मेरी? हाँ ऐसी ले लूँ मैं। मैंने कोई ऐसी बात बोली जो अच्छी नहीं थी उसके लिए मैं जाके सॉरी बोलती हूँ उसको। बताओ मेरे को ये तो बताओ इसमें नहा सकता है इंसान यार। ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हम आपको बराबर देंगे कंटेंट। Spending time with your husband or spending time with your babies? Hi guys, welcome to Garama's Good Life. This is my last and final episode in my series A Day with Popular YouTubers. आप लोग ना जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है एक नाम से मेरा कमेंट सेक्शन भरे जा रहे हो तो आज मैं उन्हीं के घर आप लोगों को लेकर आई हूँ। 1, 2 and 3 ठाणा पहचान गए ना आप लोग? यस, आपकी मेरी हम सब की फेवरेट संभावना सेठ। चलो घंटी बजाते हैं और अंदर जाते हैं। हेलो हेलो हाय हाउ आर यू गुड प्लीज प्लीज फाइनली इन्होंने मुझे टाइम दे दिया। आओ पहले अंदर आ जाओ इस सीरीज के आखिरी एपिसोड के लिए। ओह माय गॉड कोको माय बेबी उठाओ भाई उठाओ। चले अंदर चले आ जाओ। और ये कौन है जो हमारा वेलकम कर रही है? That's चुनचुन। हाय चुनचुन। ओके 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 सॉरी ये टाइम लेगी ये ऐसे टाइम लेगी। बाकी दोनों घूमने गए हैं वो आते ही होंगे। ओके वैसे मुझे आपसे ज्यादा एक्साइटमेंट ना बच्चों से मिलने की थी। आई एम श्योर सबको होती है। हाँ हाँ तो यार पीपल हु आर डॉग लवर्स आई नो यू आर अ डॉग लवर तो वो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो वही है। हाँ और मैं ना आज पहली बार आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई हूँ मैं इन लोगों के लिए लेकर आई हूँ। प्यार बच्चों को मिलता है ना यार हम बड़े हो गए यार। हेलो वो तो पहले तैयार हैं तुम तो बाद में दोगी वो पहले तैयार हैं। मेरे भुक्कड़ बच्चे हैं। ऑलराइट ओह माय गॉड व्हाट इज दिस? अच्छा इसको ट्रीट चाहिए चिपचाप दे दो। इसको टॉय नहीं वो बाद में लूंगा मैं पहले अभी। हाँ दे दो इसको ट्रीट। ये धोखा है क्योंकि बाकी दोनों नहीं आए ना लेकिन अब देख देख एक देख देख लो इसको एक तो दे दो। चलो भाई एक चुनचुन पीछे से देख रही है और ये क्या बात है ये मुझे एकदम सिम्बा का भाई लग रहा है। पॉ भी दे रहा है भाई पॉ भी दे रहा है वो सबको। अब तो वो सारे सेकंड देगा सैल्यूट करेगा सब करेगा। सो क्यूट। हां चुनचुन Where are you? Chinchun is not very happy because मतलब ऐसा लग रहा है कि पापा है नहीं घर पे तो मतलब पापा की एब्सेंस में कोई आया है। पापा है किधर? पापा काम कर रहे हैं पापा बहुत बिजी हैं भाई क्या करें। ठीक है भाई बिजी रहना चाहिए लाइफ में कोई बात नहीं। हमें तो संभावना जी से मिलना था क्योंकि चैनल इन्होंने शुरू किया था इनसे मुझे बहुत सारी बातें जाननी है। अभी अभी करेंगे आराम से बातें पहले एक पहले। हाँ यार अभी तो सॉरी वो देख रही है भाई। चेरी कौन आया? चेरी कौन आया? हाय चेरी। फाइनली आई गेट टू मीट यू। इसको देखिए आया चिपचा बिल्कुल। कैंडी भी आया। नाउ यू मूड नाउ यस नाउ आई फील आई एम इन संभावनाज हाउस। यस ओके तुम तो हटो तुम हटो इधर आ जाओ। तुम्हारा हो गया अभी आपका हो गया है। आज बॉब बॉब ओह कैंडी बॉब मोस्ट लविंग कैंडी चेरी। हाय चेरी हाय। चेरी को 2-3 तो देनी पड़ेगी। ओ ये देखो हेलो यहाँ पे यही होता है सब चीटर्स हैं। यू नो दिस इज सो अम्यूजिंग। मेरे पास तो एक ही है यार इधर एक और दो यार विद योर परमिशन। हाँ ये चेरी कहाँ उसका पूरा पड़ेगा इससे। ये वो तो एकदम फ्रेंड्स बन जाएगी अब तुम्हारी। ये कितनी सॉफ्ट है यार ये मैंने इसको सिर्फ वीडियो में ही देखा था। आपके चारों बच्चे इतने डॉल है ना। शी इज अ डॉल शी इज अ डॉल। वाओ अभी नहाती नहीं है तो गटर की बन जाती है बट अदरवाइज शी इज अ डॉल यार। वो कैंडी 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 एक मेरी चिंचा नो अभी कैंडी चिंचा चिंचा भी आ गई तुम्हारे पास आ गई। हाँ वो कह रही है भाग क्यों रहे हो आ जाओ। ये नहीं वो कह रही है मैं ले लूंगी। ओके गुड और कोको तो ले ले भाई एक तो भी ले ले। चलो अब हम लोग हमारी बात करेंगे। अब चलो हमारा ये खत्म हो चुका है एपिसोड एंड यहीं पे गुडबाय भी कर देते हैं। आई थिंक योर एपिसोड इज डन। नो This was guys just the first part where obviously आप लोगों ने देखा ना घर के बाहर भी इनका और अविनाश भैया का नाम नीचे लिखा हुआ है और इन चारों के नाम जो है वो ऊपर लिखे हुए हैं. So basically करीमा this house belongs to them. हम तो सिर्फ रह रहे हैं. Owners यही हैं. इसीलिए तो पहले इन चारों को संभालना पड़ेगा. तुम्हारे लिए काम इजी कर देती हूँ अमिता. इनको ना अंदर ले जा और एक एक दे देंगे और इसके बाद एक एक थप्पड़ भी. चल जाओ बच्चा जाओ. दीदी क्या दे रही है? दे देती हूँ जाओ. कुछ देखो आओ जाओ बाबा जाओ जाओ जाओ. दीदी टॉय भी लेके जाओ. आएंगे फिर बाद में आएंगे. अच्छा बाद में आएंगे. ये भी टॉय भी ले आई है गरिमा. ये टॉय मिस ना किया जाए. काफी महंगे आते हैं दिखते सस्ते हैं ये लोग. जब से आपने प्रॉब्लली अपनी YouTube की जर्नी शुरू की है ना I have been an admirer, okay? अविनाश तो बाद में जुड़े हैं ना आपके चैनल पे बाद में आए हैं करेक्ट. जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने YouTube ज्वाइन किया था आई थिंक आपने उसके भी पहले कर रखा था. थोड़े बहुत आपके वीडियोस आते थे. मुझे 5 साल हो गए हैं. आपको 5 से थोड़े ज्यादा हो गए. आई रिमेम्बर आपके बिग बॉस के वीडियोस आते थे उस टाइम पे. तो उससे भी पहले हो गया था कि 7 साल शादी को गए तो उसके बाद ही इमीडिएटली हमने शुरू किया था बिग बॉस का रिव्यू. हाँ यार इतना टाइम हो गया. तो 7 years. हाँ डूड एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू. मुझे ना आप नॉट जस्ट यूट्यूब मुझे उसके पहले से बहुत पसंद हो. आई टेल यू व्हाई. यस आई एम अ फैन. जानती हो? जानती मतलब ऐसा एज अ सेलिब्रिटी जानती थी यू नो. मैंने तो कभी माना नहीं अपने आप को लेकिन हम गरिमा बोल रही है. प्लीज ये इनकी ह्यूमिलिटी है गाइस. मेरे को ना आपसे हमेशा से एक इतनी मस्त वाली वाइब आती थी ना संभावना. मैं सच बोल रही हूँ नॉट बिकॉज वी आर डूइंग दिस वीडियो टुडे. नहीं ये मुझे पहले भी बोल चुकी है. ये नया नहीं बता रही. अब बात करो क्योंकि यू नो आई फील समवेयर वी बोथ आर अ लिटिल अलाइक. हम मुँह पे बोलने वाले लोग हैं है ना. आपका भी मैंने देखा है जितना भी व्लॉग्स में व्हाटएवर जो दिल में होता है आपके फेस पे आपके मुंह में है ना आप वही हो. हाँ. तो इन दिस वर्ल्ड टुडे ऐसे मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं बॉस जो रियल लाइफ में भी वैसे हैं रील पे भी वैसे हैं. उनका जो ऑरा इवन एक्टिंग में या आपके जैसे डांसिंग में जो पैशन जिस तरीके से आप डांस करते हो हैट्स ऑफ. थैंक यू सो मच. लेकिन पता है क्या गरिमा ऐसा मेरे को देख के लगता है कि मैं बहुत ही आउटस्पोकन हूँ. हाँ मैं हूँ. मैं बहुत ही बिंदास हूँ बोलने में. जो मुझे बोलना होता है तो मैं बोल देती हूँ. लेकिन मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि गलती से भी ना किसी का दिल ना दुखे. मुझसे किसी का दिल ना दुखे और उसके लिए मैं आउट ऑफ द वे जाऊँगी कि यार अगर किसी अनजान इंसान का भी मुझे ऐसा लगा है कि नहीं यार मैंने कोई ऐसी बात बोली जो अच्छी नहीं थी उसके लिए मैं जाके सॉरी बोलती हूँ उसको. आपको मालूम नहीं है मैं कितने लोगों को जाकर मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझसे गलती हो गई यार. हम लोग सब इंसान हैं. वो करना बहुत ज़रूरी है. बाकी तो सब शोशाबाजी तो चलती रहती है. गाइस संभावना के साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया. लेकिन आप सबको पता है कि उन्हें कॉफ़ी कितनी पसंद है. कॉफ़ी मुझे भी उतनी ही पसंद है. तो मैंने ना आज इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है. और ये देखो मैं मैडम से कॉफी बनवा रही हूँ. कौन सी कॉफी बना रही हूँ? मैं तो यू वांटेड ब्लैक कॉफी राइट? या ब्लैक कॉफी. मैं तो कैपेचिनो भी बहुत अच्छी बना सकती हूँ. तो फिर कैपेचिनो पिला दो. कैपेचिनो पियो. यस यस व्हाई नॉट. मैं बहुत अच्छी कैपेचिनो बनाऊंगी. अब आपने इतना बोल दिया है तो आपके हाथ की कैपेचिनो में बिल्कुल सेलेक्ट और मांग. ओह माय गॉड दिस इज अमेजिंग. ये मतलब ऊपर नीचे चारों बाजू क्या कॉफी कॉर्नर बनाया है मैन. अभी तुम कॉफी पियोगी ना होगी चुम्मी ले लोगी मेरी. हाँ ऐसी ले लूँ मैं जो बताओ सिलेक्टर यार. मेरा तो दिमाग घूम रहा भाई. मैं क्या चूज करूँ इसमें से? What is your favorite? You tell me. यार मेरे को ऐसे मत पूछो. ये देखो ये वाला भी मेरा फेवरेट है. हाँ. ठीक है ये वाला भी मेरा फेवरेट है. इतना बड़ा ये कहाँ से लेकर आए हो? यार ये गिफ्ट करे सब्सक्राइबर्स ने. क्या बात कर रहे हो? ये मैक्सिमम मग्स जो है ना. हाँ. ये मेरे खरीदे हुए नहीं है सब्सक्राइबर्स के दिए हुए हैं. रियली? ये देखो ये भी अभी लेटेस्ट आया. सब्सक्राइबर नहीं भेजा था. ओ भाई कितनी कॉफी पिलाएंगे आपको? बताओ मेरे को ये तो बताओ इसमें नहा सकता है इंसान यार. ये देखो उड़ जाएंगी संभावना. वैसे इतनी एनर्जी है इनके अंदर. यार इससे पियोगी कॉफी? इससे पियोगी? ओह माय गॉड ये भी कॉफी पीने के लिए. ये मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था. वाओ दिस इज सो प्रिटी. नहीं मैंने खरीदा था. सो समबडी वाज सेलिंग दिस बिकॉज उनको जो भी पैसे थे ना इसके वो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए देने थे. तो मैंने कहा ये तो लेना ही था. तो मैंने इसलिए लिया था. तो एक ही है इसमें कि दो हैं? ये एक है लेकिन मैं कोई और ले लूंगी ना. अच्छा ठीक है चलो मैं हस्बैंड वाला ले लूंगी ना. मेरा हस्बैंड का ले लूंगी. शी इज मिसिंग अविनाश जी. हस्बैंड वाला ले लूंगी. तो जी क्योंकि गरिमा को चाहिए कैपेचिनो तो मेरे जैसी कैपेचिनो कोई नहीं बना सकता, ये मैं दावा करती हूँ। ये देखो अपने मम्मा सच बोल रही है, मम्मा सच बोल रही है भैया, इन्होंने तो पुच्चियां ही दे दी मम्मा को, सच ही बोल रही है इनकी मम्मा। ये मेरी को सबसे प्यारी गुड़िया, मेरे को सबसे ज्यादा प्यार ये करती है। मेरे को भी, मैंने आज तक सिम्मा को भी नहीं चाटने दिया है, मुझे कभी इसने मुझे चाट लिया। ओके एक और ओके, आई लाइक्ड हर चाटना। कौन है दूसरा मेरे पास? ओ भाई साहब, Your babies love me too. Look at them. अब आ रही है खुशबू बहुत ही जोर की। भाई कॉफी में तो आ गया मजा। Cheers. Thank you so much. आपसे आपकी YouTube जर्नी के बारे में थोड़े क्वेश्चंस पूछने का बहुत मन है। So आइडिया कहाँ से आया YouTube चैनल स्टार्ट करने का? Because जब आपने YouTube पे वीडियोस डाले थे उस टाइम पे तो it was very uncommon no कि कोई ग्लैमर वर्ल्ड का बंदा YouTube वीडियोस बना रहा है। नहीं, वो तब बहुत बुरा माना जाता था। हाँ, मतलब it was looked down upon, it was looked down upon कि आप YouTube पे हो तो मतलब आपके पास कोई काम नहीं है, ऐसा। हाँ, कोई काम नहीं है, और बात तो सच भी थी यार। सच है। और मैं कहूँ ओ मैं बुरा मान गई यार, तुमने मुझे ये बोला। अंदर सोचे बात तो सही बोल रहा है। आप जो सच बोलते थे उसको आपको लग जाती है ना, दिल को, मेरे दिल को लग गई। सच बोल रहा है यार। मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था ये ना, अविनाश का आइडिया था बिल्कुल। और अविनाश को मैं यहाँ पे ना एक लाल रंग का रेक्लाइनर होता था, तो वहीं पे पहला वीडियो बनाया था। अविनाश ने बोला कि तुम बिग बॉस के बारे में बात करना शुरू करो, अब मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा मैं क्या बात करूंगी बिग बॉस के बारे में, मैं खुद फेलियर हूँ बिग बॉस की। कहते नहीं, जो फेलियर होते हैं ना वो बात बहुत अच्छी करते हैं। तो जिसको इन शॉर्ट कहते हैं बक। तो उसे बोला मैं वीडियो बनाता हूँ, तुम बात करो। हाँ। जैसे जैसे बात करके अपलोड किया यार, धीरे धीरे ना वो पहले 1,000 हुआ, फिर 2,000 हुआ, फिर वो 8,000 हो गया। अच्छा, पहला वीडियो 8,000 उस टाइम। 8,000 तो ना हमें पहला $1 आया था। अच्छा, कुछ मतलब वो तो कुछ टाइम के बाद आया था, बट आई एम जस्ट सेइंग जब हमें पहला $1 आया ना तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ से पैसा आ सकता है। पहला, क्योंकि सबको ये लगता था कि यूट्यूब से कुछ भी आ सकता है लेकिन पैसा नहीं आ सकता। ये तब तक तो लोगों का एक मिथ्या हमारा, और हमको जेन्युइनली हमने YouTube पैसे के लिए किया ही नहीं। जिसको पता ही नहीं है वो करेगा कैसे पैसे, या तो पता हो ना यहाँ से पैसा बहुत आता है ये तो करना है। हमको पता ही घंटा कुछ नहीं। हम कह रहे हैं मैं कुछ करना है, मेरे को दिखना है, मेरे पति को मुझे दिखाना था कि मेरी बीवी अभी भी एग्जिस्ट करती है। पहला जब लाख हुआ ना भाई साहब, हम तो लेट गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, और बिल्कुल पैसे की बात नहीं कर रही मैं अभी, मैं व्यूज की बात कर रही हूँ कि लोग हमें देख रहे हैं क्या। वो यार ऐसा होता है क्या, we were very excited and then money started coming in. थोड़ा आया, लेकिन आया, थोड़ा आया। और हम उस थोड़े से, देखो आप ना लाइफ में तब आगे बढ़ते हो जब आप उस थोड़े से बहुत खुश होते हो। जब आपको थोड़े से लगता है तो थोड़ा है ना यार, हमें ही रह जाता है। हाँ भाई, थोड़े में ही रहोगे। हम उस थोड़े से बहुत खुश थे, हम अपनी लाइफ से भी बहुत खुश थे। सच्ची बोल रही हूँ, हमारे पास कुछ नहीं था तो आप फुलफिल्ड थे अंदर से। मेरे पास ये था कि तो जो भी था वो अच्छा ही हो रहा है। मैंने अपना एक बना के रखा हुआ है सिस्टम, तामझाम बना के रखा हुआ है। मैं मेरी लाइफ सही तरह से मेरे पति के साथ लीड करूंगी। वो अच्छा। देखो तुम्हारा टॉय, वो हाँ। देखो जरा करना पैन वहाँ पे करना कैमरा। हाँ भाई, ओह भाई, देखो गरिमा का टॉय और गत्ता दोनों। ओह व्हाट इज दिस, ओह गॉड, ओह माय गॉड। वो कह रहा गत्ता ही खाऊंगा मैं। अरे यार, तो दोस्तों गरिमा का टॉय यहाँ पे है। गरिमा का प्राइस जो था उससे खेला जा रहा है। शाबाश गरिमा, तुम जो पैसे खर्चे है ना इस पे, वो मतलब वो पूरा ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको बराबर देंगे कंटेंट। वो कह रहे हैं हम बराबर कंटेंट, वो देखो कंटेंट दे रहे हैं आपको, करो वहां पे। यही है, मेरे को निकाल देना ब्लॉग में से। वो देखो हाँ, उसको गत्ते में लड़ाई। तो दोस्तों आप इधर आइए वापस। असली माल ये है, लेकिन किसको मिलेगा, इनको दे दो। नहीं नहीं, वो अच्छा अच्छा अच्छा। अमिता ये क्या हुआ है, ये एक ये क्या था? हाँ, वो एक 5 मिनट का बीच में फेज आता है जब ये लड़ते हैं ऐसे। नहीं लड़ते नहीं है, इम्पोर्टेंस ऐसा होता है। गया ना कैमरा वहाँ पे गया, दोनों खेल रहे हैं, कुछ इनके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे चिड़ मची। ओह माय गॉड। तो पहनोगे इधर कैमरा, तुम भी इधर हो गई, मैं भी इधर हो गई, तो ले गई ना लाइमलाइट बिग बॉस। तो ये व्लॉग की गाड़ी पटरी पे कब आई? जब अविनाश ने भी ज्वाइन इन कर लिया, जब यू नो यू स्टार्टेड शोइंग योर लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ। मैं बताती हूँ, जो व्लॉग अविनाश ने ज्वाइन किया था ना, मतलब मुझे याद है कि मेरा बर्थडे आ रहा था और मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट हम लोग लेने जा रहे थे। तो मैंने कहा अविनाश, मैंने कहा यार तुम भी आओ व्लॉग में। मेरे को ये था कि यार लोग बहुत जज करेंगे, यू नो इंटरनेट पे बहुत गालियाँ पड़ती हैं, और मुझे तो पड़ी रही थी तब तक। अच्छा हाँ, मतलब मुझे पड़ती थी कि ये ऐसी है क्या, लगता तो नहीं है, ड्रामा होगा, या ये बहुत सारी चीजें थी, या फिर पति को तो पता नहीं क्या मारती होगी मैं, मतलब वो जो होता है ना थापी, उससे मारती होंगी। मैंने कहा यार मैं कैसे लाऊंगा, मैं चाहती हूँ अविनाश का जो ह्यूमर है, अविनाश जो है वो लोगों को पता लगे। मेरा तो काफी हद तक पता लग गया है धीरे धीरे। मैंने कहा लेकिन कैसे लाऊं, तो हमने हिम्मत करी, तो मैंने कहा मैं देखूंगी इस व्लॉग में, अगर लोगों ने कुछ नहीं कहा मेरे पति को तो मैं कंटिन्यू करूंगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आएगा, वरना अविनाश वाज नेवर इंटरेस्टेड। अच्छा। वो तो आना ही नहीं चाह रहा था कभी भी ब्लॉग में, ही वाज नेवर इंटरेस्टेड। अरे तुम बनाओ, ये मैं तुम्हारा काम करके दे रहा हूँ कि तुम कुछ करो, लाइफ में बिजी हो जाओ, तुम दिखो लोगों को। पैसा तो पता ही, मैंने कहा ना जैसे पैसा तो पता ही नहीं था ना। तो मुझे पहला ब्लॉग बना, तो हम लोग माइकल कॉर्ड्स का बैग खरीदने गए थे और वो 40,000 का बैग था। तो एक हमारी बड़ी जद्दोजहद थी कि ये का ले कि ना ले। उसपे हमारी जो वो आपस में बैंटर शुरू हुई ना, जो कि ऑफ कैमरा होती थी हमेशा, तो इस बार ऑन कैमरा, इस बार ऑन कैमरा हुई, एंड पीपल लव्ड इट। सो दिस इज हाउ अविनाश की एंट्री हुई। एंड धीरे धीरे इट टुक टाइम, लोगों ने बहुत गंदा भी बोला अविनाश को, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोला। लोग तो बोलते ही हैं यार, वो तो एक्सपेक्टेड ही था। नहीं देखो, बट सबकी बात नहीं कर रही, देखो जो प्यार भी तो कितना मिला होगा ना दोनों। बाद में बहुत मिला यार, मुझसे कहीं ज्यादा अविनाश को प्यार मिलता है। कि जो मतलब व्लॉग्स आप लोग बनाते हो, हाँ, वो कोई एक थॉट तो होता होगा ना, प्लानिंग कुछ तो होती होगी कि आज की थीम ये है कि क्या होगा। नहीं कैसे हो सकता है ना। अब जैसे आज का व्लॉग है, हाँ, तो मेरा अभी सिर्फ बिगनिंग हुई है अभी तक। अच्छा। और मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, लेकिन बनता है भाई, बनता है हमारा व्लॉग। फिर आगे कैसे होता है, मतलब फिर आगे जो होता है भगवान जाने। हमारा कुछ भी ये नहीं होता कि आज हम व्लॉग में ये करने वाले हैं। okay. हाँ, कई बार होता है कि आज कोई गिफ्ट आने वाला है, आज गिफ्ट लेने जाने वाले हैं, आज कुछ खरीद, तो बस वो उतना डिसाइडेड है, उतना तो डिसाइडेड ही है ना कि आज का व्लॉग इज ऑल अबाउट दैट। कि आप शॉपिंग ले रहे हो या मॉल जा रहे हो, तो फिर उसमें भी तो कंटेंट आपका बनता ही है ना यार। अपने आप सारा मॉल ही मॉल थोड़ी ना दिखाते रहते हो, ये लो मॉल दो दोस्तों मॉल देखो, मॉल में हो, लेकिन मॉल में आप क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि कंटेंट जबरदस्ती बनाने से नहीं बनता, चीजें सोच के नहीं बनता। कंटेंट जो रियल बनता है जब आप बस शुरू हो जाते हो और फिर आप देखो मत, सुर अपने आप मिल जाता है। फिर हाँ, आपके जो तार सुर ताल, जब आप अच्छे सिंगर होते हैं तो सारी चीजें मिलती है ना। वो मैं हूँ नहीं लेकिन मिल जाते हैं। वो बात नहीं करने देना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो हम ये दोस्तों वो कैंडी बताना चाह रही है गरिमा को कि बहुत हो गई आप लोगों की बक। अब हम बस रैपिड फायर करेंगे फटाफट, और मैं कट रही हूँ बिकॉज इनको भी जाना है, मुझे भी जाना है। सो यस, लेट्स फिनिश ऑफ विद द रैपिड फायर राउंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली आंसर करना है, ठीक है? चलो डन। डांस ऑफ विद शाहरुख खान और कॉमेडी स्किट विद रणवीर सिंह। डांस ऑफ विद शाहरुख खान। हाँ। शाहरुख खान। क्रिएट कंटेंट फॉर यूट्यूब और अपीयर इन अ फीचर फिल्म। अपीयर इन अ फीचर फिल्म। फाइनल गोल तो वही है भाई। कभी नहीं होगा, मैं यूट्यूब पे रहने वाली हूँ, फिक्र ना करो। कोई नहीं पूछ रहा मुझे, बोल दिया आपने, क्या पता हो जाएगा। स्पेंडिंग टाइम विद योर हस्बैंड और स्पेंडिंग टाइम विद योर बेबीज। अरे यार बेबीज। यार हस्बैंड तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा यार। दिस जस्ट हैपन। आ जाएगा यार हस्बैंड तो अपने आप आ जाएगा। देखो वो नहीं बता सकते ना, बेजुबान जानवर टाइप, तो अब क्या करेगी बता। ओके, दिस इज गोना बी अ टफ वन। अच्छा, राखी सावंत और उर्फी जावेद। लाइक एज इन व्हाट? एज इन व्हाट एवर। हुम डू यू लाइक बेटर, हुम डू यू लाइक मोर? उर्फी। Urfi. I know her as a person. Rakhi is also very good, but I am close to Urfi. Really? Haan. This I did not know. हाँ, I am close to Urfi, and I know the real Urfi ना, इसलिए not that Rakhi मतलब कुछ गड़बड़ है। I love Rakhi also, but आपने एक मांग लिया ना, दो उंगलियों में से अब एक ही मांग रहे हो, मैं क्या करूं यार, मेरे मरवा रही है फालतू में। उर्फी ये यू गो गर्ल। ओके लास्ट क्वेश्चन है ना, इफ यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे आपको बहुत जोर की गुस्सा आ गया है, गाली देना और बहुत जोर की भड़कना वर्सेस मौन व्रत। पहला यार बोलो, पूछा भी क्यों ये? मैं गाली दूंगी, मैं भड़कूंगी, मैं चुप रह ही नहीं सकती यार, मैं चुप रह ही नहीं सकती। क्या बात, कुछ तो लेसन सीख लिया। वो अविनाश ही कराएगा यार। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड का अंत होता है और हमारा भी यहाँ पे अंत होता है, मैं चली सीरीज का भी अंत होता है, सब चीज होता है। सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों, आपने मुझे तो इतना प्यार नहीं दिया, ठीक है, अब तो नहीं दे रहे हो इतना, लेकिन मैं चाहती हूँ यार गरिमा बहुत मेहनत कर रही है, उसके चैनल को प्यार दो, एंड आई थिंक यार द चैनल नीड्स टू बी सीन। जितना हो सके एपिसोड को शेयर करो, गरिमा का चैनल शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन देखो, देखना बहुत जरूरी है। देखो यार, आई मीन शी डिजर्व्स ऑल द लव एंड आई लव हर। And I love you too, and we love all of you. Thank you so much to all of them for being there. Bye. Like, share, subscribe. Ta-ta. बोल दिया था मैंने.